हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। तो क्या हाल चाल है भाई? सब आप लोग सब ठीक ठाक हैं? खैरियत से तो हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग सब ठीक हैं। आप लोग की दुआओं से सब ठीक हैं, खैरियत से हैं, घर वाले भी और मैं भी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और रमज़ान का चांद आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो मेरी और मेरी फैमिली की तरफ से। तो पहली सहरी है सुबह, तो हमने बोला भाई अब बस चलते हैं और ऊपर, आज जल्दी सो जाएंगे। अभी टाइम कुछ हो रहा है, 1:30 तो बज गए हैं। खैर ये जल्दी तो नहीं हुआ, सोना तो मुझे 11-12 बजे चाहिए, क्योंकि फिर रमज़ान की टाइमिंग भी कुछ ऐसी है ना कि सुबह ऑफिस भी जाना होगा और सहरी के बाद सोएंगे ही, नमाज वमाज़ पढ़ के काफ़ी टाइम 6 तो बज ही जाएंगे, 6:30। हम बाहर गए थे और मैं अपने लिए लाया हूँ अंडे वाला बर्गर। ये आधा इसलिए कि आधा हमसे अलमीर ने छीन लिया है और वो नीचे है, बस मैं ऊपर रूम में आ गया, मैं ऊपर रूम में आ गया था सोने के लिए, तो मैंने बोला भाई सहरी में मिलते हैं सबसे, तो सोते हैं खा के और फिर सहरी में मिलते हैं आप लोगों से। ठीक है, फिर आपको दिखाते हैं भाई आज की सहरी। ओके भाई, मैं सो ही रहा था कि अलमीर लोग आ गए खेलने। क्या है भाई? मीरू मीरू कहाँ चढ़ी हो? कहाँ चढ़ी हो? चलो नीचे उतरो, सहरी में भी उठना है। हाँ जल्दी जल्दी सो जाओ, जल्दी जल्दी सो जाओ यार, ताकि फिर उठ जाए। रोजा रखोगे? कहाँ पे रखोगे? कहाँ रोजा रखेंगे? किसके अंदर? इधर देख के बताओ, वहाँ बताए। किस में रखोगे रोजा? फ्रिज के अंदर। वाह भाई, चलो फिर जल्दी जल्दी सो भाई। मीरू सो गया? अच्छा मोबाइल तो छोड़ो मेरा, मोबाइल चलो भाई। मीरू ने मोबाइल, चले भाई मीरू हमें व्लॉग नहीं बनाने दे रही, चिकन बुखार मचा रही है। तो हम सुबह सहरी में आप लोगों से मिलते हैं। ये लोग आ गए, मैं सो ही रहा था, इतने में ये लोग आ गए और मुझे तंग कर रहे हैं यहाँ पे। इन्होंने देखें, ये देखें कितने गंदे बच्चे हैं दोनों, दोनों कितने गंदे बच्चे हैं, पापा को सोने नहीं दे रहे। हेलो गाइस, तो भाई सुबह हो गई है हमारी, सुबह क्या हो गई है, सहरी के लिए उठ गए और आज पहला पहला रोज़ा है, तो बड़ी मुश्किल से उठा जा रहा है सहरी से, क्योंकि 1:30 बज गए थे सोते सोते और अभी हालत भी डाउन है। अभी अम्मी सहरी बना रही हैं और मिराल उठ गई, तो तूबा अभी आई नहीं है बाहर, तो तूबा भी आती है सहरी करते हैं और फिर आज का पहला रोज़ा रखते हैं इंशाल्लाह। तो भाई अम्मी सहरी बना रही हैं और मैंने अम्मी को बोला पापा बिरयानी लाए थे तो मुझे बिरयानी दे दें, पराठे मैं नहीं खा रहा, मैं बिरयानी खाऊंगा। तो भाई हमारी मुन्नी भी सहरी कर रही है, रोज़ा रखोगी क्या है? तुम क्यों उठी हो? क्या खा रही हो? हलीम खा रही हो? गुस्सा आ गया इसको। अच्छा भाई कर लो कर लो, लेकिन तुम उठी गलत हो मीरू, तुम अब सोओगी मुश्किल से। चलो भाई सहरी करते हैं, और कढ़ाई भी है, हलीम भी है और पुलाव भी है। टाइम कम है, कितना टाइम हो रहा है? अल्लाह दिख भी नहीं रहा, 5 बज रहे हैं, तो 24 मिनट ही हैं। जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी, मैं भी कर लेता हूँ यार। तो भाई अल्हम्दुलिल्लाह सहरी तो हो गई है और अब जा रहे हैं नमाज़ पढ़ने। अजान भी अभी शुरू हुई है, हमारी मुन्नी नहीं सोई है भाई। मुन्नी अब कब सोगी? मीरू कब सो गया बताओ बाबा को। पापा दी, हाँ भाई ये उठ गई है अब, ये पता नहीं कब सोएगी। खैर नमाज पढ़ने चलते हैं और फिर कल मिलेंगे उसमें अफ्तारी के टाइम पर, ठीक है? क्योंकि ऑफिस वॉफिस जाएंगे उसके बाद आएंगे, तो फिर टाइम नहीं होगा, तो अफ्तारी में मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, तो भाई ऑफिस से तो मैं आ गया हूँ और घर पे आके देखा कि हालत क्या चल रही है लोगों की, लेडीज़ की हाउस की तैयारियाँ तो हो रही हैं लेकिन अंधेरे में, क्योंकि KSC का केस में बहुत बड़ा हाथ है भाई, मेहरबानी है उन लोगों की। अस्सलाम वालेकुम। ओ वालेकुम अस्सलाम, क्या बना रही हैं? ये चिकन आलू के कटलेट्स हैं। कटलेट्स बना रही हैं पप्पू, और ये ब्रेड क्रम्स लगा के कुछ तैयार तो करें पप्पू ने, बाकी और कर रही हैं। पहला दिन है तो तैयारियां हो रही हैं, उसके बाद तो ये हफ्ते हफ्ते ही होगा पप्पू। नहीं नहीं नहीं, यानी कि ये ब्रेड क्रम्स लगाने का काम, हाँ, ये एक साथ लगा के, एक साथ लगा रही है ना। तो भाई हालात कुछ ऐसे हैं कि गैस, ये गैस भी नहीं आ रही है, सिलेंडर की मदद ली हुई हमने, और बेगम हमारी पकौड़े बना रही है, गैस है ना, लाइट है, कुछ भी नहीं है भाई, और पानी भी नहीं आ रहा। वाह पानी भी नहीं आ रहा 2-3 दिन से।
और अम्मी क्या कर रही है? अम्मी आप क्या कर रही है? शरबत बनाने के लिए। अम्मी जूस बनाने के लिए इतनी बर्फ तोड़ रही है। मोबाइल की टॉर्च का सहारा लिया हुआ बेगम ने। पकौड़े तो सही बन रहे हैं ना? तो ये देखें बच्चे घूम रहे हमारे। इमरान क्या कर रही हो? और ये चेयर वेयर इन लोग का काम तमाम पड़ा हुआ सारा। तो भाई इन हालातों में अफ्तारी बन रही है। अभी देखिए लाइट कब आती है। लाइट तो आ जाए भाई, शुक्र है अल्लाह का लाइट तो आ गई है। और ये बच्चे हमारे इतना तंग कर रहे हैं ना दोनों। आज फर्स्ट अफ्तारी है, उसमें भी इनको मैं अंदर लेके बैठा हूँ। एसी वेसी खोल के मैंने इन लोगों को अंदर बैठाया है। अभी मैं इनके लिए नाते वाते लगा रहा हूँ। और ये गेट बंद करो ना, एसी चल रहा है तो गेट क्यों खोला हुआ है? चलो भाई। मीरू आप भी तंग कर रही हो ना मम्मा को? कर रही हो ना? अब आवाज़ नहीं निकलेगी मीरू की। चलो भाई इनके लिए नाते लगाते हैं और इनको नाते दिखाते हैं, सुकून से बैठाते हैं ताकि बाहर काम हो सके। इन लोग ऐसे बहुत काम डिस्टर्ब हो रहे थे, मैं अंदर ले आया हूँ इन लोग। गई आपका भाई रोल बना रहा है, इतनी देर से रोल बनवा रहे हैं लोग मुझसे। टाइम भी कम रह गया, 10 मिनट रह गया पूरा खुलने में। तो मैंने बोला कोई टाइम पास ही कर लूँ, यहाँ पे खा लूँगा मेरा रोल। जलेगी नहीं, बेफिक्र हो जाओ, रोल होके बनेगी। और अभी कटलेट की भी आ रही है ना, ये भी मैं बना दूँगा, मसला नहीं। चलो चलो रोल घूम जाओ। रोजा खुल रहा है सर। तो हमारा पूरा दस्तरखान लग गया। शुरू करो आप कैसे करती हो? भाई हम जा रहे हैं मीरू के साथ पहली शॉपिंग पे। सही है, हमने बोला चलो फर्स्ट डे है तो शॉपिंग करने चलते हैं, देखते हैं क्या क्या आया हुआ है। और रश भी कम होगा आज तो, वरना फिर ज़्यादा हो जाएगा रश। अलमीर भी आ रहे हैं और मम्मा भी आ रही है अलमीर की। चलो फिर वहीं चल के मिलते हैं, रश देखते हैं कितना है। चलो भाई मीरू भाई चेज वैल्यू आ गए और बस अंदर जा रहे हैं। भाई अलमीर को एक खिलौना मिल गया चलाने के लिए। अलमीर बहन को खड़ी कर, बहन के खड़ा कर लो यार। अलमीर बहन को खड़ा कर लो उसमें। अलमीर जा रहा है मम्मा के पास और अलमीर की मम्मा मिल गई हैं। अलमीर के लिए पैंट ले रही हैं। मेरा की हो गई लड़ाई और इनके भाई घुमाएंगे। क्या हुआ? तो भाई अलमीर ने तो बैट भी ले लिया है, लेकिन अलमीर नहीं सुधरेगा भाई कहीं भी। और मिराल के भी एक सूट मिराल का हो गया, अलमीर के 2 सूट हो गए। मिराल मिराल बोल रही मुझे नीचे छोड़ दो, मैं नीचे घूमूंगी, गिर जाओगी। चलो चलो चलो, अलमीर को सही खेल मिल गया। चलो 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 चलो, क्या हो गया? अच्छा अच्छा, आप खुद चलो, देखा खुद चलना चाहती हैं भाई। चलो मम्मा के पास चलो। अब ये बेगम अपने सामान में फिर हो, बच्चों का तो हमने ले लिया। हम बच्चे बहुत थक गए हैं। अलमीर थक गए ना, बताऊँ मोबाइल में। हाँ जी भाई।